मैं सैयद वहीद अली, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, गोलकुंडा। आज की वीडियो कक्षा में स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नए पाठ को आरंभ करने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है रहीम के दोहे। इससे पहले कि हम रहीम के दोहों को पढ़ेंगे, उससे पूर्व रहीम के जीवन का परिचय जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कवि का व्यक्तित्व ही, कवि की विचारधारा ही उनके दोहों में परिलक्षित होती है। अब्दुल रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वे हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं और इनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ। उनके पिता का नाम बैरम खान था। बैरम खान अकबर के प्रधान सेनापति थे। असमय ही बैरम खान की मृत्यु हो गई। बैरम खान की मृत्यु के पश्चात बादशाह अकबर ने आगरा में रहीम के पालन पोषण का प्रबंध किया। वहाँ पर उनके अकबर के छत्रछाया में उन्होंने विभिन्न भाषाओं का गहन अध्ययन किया, जिनमें फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत आदि भाषाएं उल्लेखनीय हैं। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें मिर्ज़ा खां की उपाधि से सम्मानित किया और रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक हैं। जैसा कि उनके नाम से ही प्रतीत होता है, अरबी का वर्ड है ये रहीम। रहीम के माने होते हैं रहम करने वाला, करम करने वाला, मर्सीफुल यानि दयावान। दया के क्षेत्र में रहीम कहते हैं, रहीम महान है, वो महान बहुत ही बड़े दयावान हैं। इनका स्वभाव अत्यंत कोमल और उदार था और वे कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अकबर को कई राजनीति के संदर्भ में कई सलाह देते थे और अकबर उनका बहुत ही आदर सम्मान करते थे। रहीम के व्यक्तित्व में ये बात मुखरित होती है कि वे ये चाहते हैं कि मनुष्य को जितना दानी बनता है आदमी, तभी उसका जीवन श्रेयस्कर होता है। रहीम कहते हैं कि महान व्यक्ति वही होता है जो जिसका जीवन दूसरों के लिए समर्पित होता है। उन्होंने अपने एक दोहे में कहा भी था कि महान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पण करता है। वो दोहा ये है, तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहिम ना पान, सरोवर पियहिम ना पान, कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुझान। जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, जिस प्रकार तालाब पानी स्वयं नहीं पीता है,
उसी प्रकार महान व्यक्ति होता है, उसी प्रकार वो सज्जन व्यक्ति होता है जो अपना धन संचय करता है, अपने धन को इकट्ठा करता है, वो स्वयं पर खर्च करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के काम आने के लिए। रहीम का जीवन भी ऐसा ही था। अकबर के शासनकाल में वो बहुत ही सुख और समृद्ध थे। तब उनके पास कहीं से भी याचक आता था, कहीं से भी कोई आदमी आकर उनसे पैसे मांगता था तो नामुराद होकर नहीं जाता था, किसी ना किसी रूप में बराबर रहीम उसका कल्याण करते थे। तो रहीम की गणना महान दानियों में से की जाती है, है ना। पौराणिक गाथाओं में जैसे दानवीर शूर कर्ण के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो रहीम का भी नाम लिया जा सकता है। रहीम दानी थे और उन्होंने सब अपने दोहों में, अधिकतर दोहों में है ना, प्रजा को दान देने पर प्रवृत्त करते हैं। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति दान देता है कभी भी वो भिखारी नहीं होता है, उसका जीवन धन्य होता है, दानी का जीवन महान होता है। जितना भी है दान आपके पास वो सबको दान करना चाहिए। और इस तरह अकबर के शासनकाल में रहीम का जीवन बहुत ही सुख और शांति समृद्धि के साथ बीतता गया। लेकिन मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव लगे हुए रहते हैं। अकबर के निधन के उपरांत उनका बेटा जहांगीर ने शासनकाल संभाला। जहांगीर के आने के बाद अब जहांगीर और रहीम के विचारधारा में काफ़ी अंतर था। पता नहीं उनके बीच में एक जहांगीर के मन में रहीम के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने रहीम का अपमान जैसा व्यवहार किया वो अपनी पत्नी नूरजहाँ के बात में आकर रहीम जैसे महान व्यक्ति पर गबन का आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंदी बना दिया। तो वो बुरा रहीम के जीवन में बुरा समय भी आया, लेकिन उन्होंने उस बुरे समय में भी, उन्होंने अपने उस विकट समय में भी उन्हें खुश थे। और वैसे स्थिति में भी रहीम के पास याचक वहाँ तक भी, कारावास तक भी पहुँच जाते थे। तब उन्होंने एक बात अपने जीवन जो व्यक्तित्व अपने जो जीवन की जो बात प्रस्तुत दोहे में परिलक्षित होती है, ये दोहा जो मैं आपके सम्मुख जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इसमें रहीम का जीवन परिलक्षित होता है। रहीम कहते हैं कि रहीमन दानी दरिद्रतर, रहीमन दानी दरिद्रतर तऊ जांची बे जोग ज्यों सरितन सूखा पड़ी कुआं खनावत लोग। रहीम कहते हैं कि दान करने वाला व्यक्ति किसी वजह से दरिद्र हो जाता है, किसी वजह से वो उसके पास पैसा समाप्त हो जाता है, तब भी लोग उसी के पास आकर मांगने लगते हैं। रहीमन दानी दरिद्रतर तब भी लोग आकर उसी को जांचने लगते हैं, उसी से मांगने लगते हैं। उन्होंने उसका एक उदाहरण देते हुए बताते हैं, जिस प्रकार तालाब जब सूख जाता है तो लोग उसी तालाब के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर इससे पूर्व पानी था। कुआं खनावत लोग जाकर वहां पर ही कुआं बनाते हैं, वहां पर 10 या 15 फीट के अंदर ही पानी निकलेगा। उन्हें अटूट विश्वास था क्योंकि पहले से पानी है, तो अतः वहां पर गड़ा खोदने सर ज़रूर पानी निकलेगा। कोई व्यक्ति जाकर किसी पथरीले इलाके में गड़ा कुआं नहीं खोदता क्योंकि उसको यकीन है कि वहां पर सिवाय धुएं के और कुछ नहीं मिलता। यहां पर हम देखते हैं जब तक उनका जीवन था अकबर के दरबार में, एक तालाब के जैसा जीवन था। इनके पास लोग भी आते थे और कुछ ज़्यादातर धन लेकर पहुँचते थे। जब जैसा तालाब सूख गया, इसी तरह रहीम के पास भी पैसा समाप्त हो गया। वो स्वयं कारावास में
बंधित हो गए और उनके पास नहीं है, तभी लोग आकर उसी को जांचने लगते हैं, तब आकर लोग उसी से मांगने लगते हैं। तो रहीम किसी न किसी रूप में उनका यकीन था कि हमें दान अवश्य करेंगे। तो इस दोहे में समस्त रहीम का जीवन हमें दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि दान करने की जो आदत है वो महान है, क्योंकि क्या कहते हैं कि दान करने से, किसी की सेवा करने से आदमी महान होता है, भक्ति करने से हमें स्वर्ग मिलता है, हमें जन्नत मिलती है, लेकिन बंदों की सेवा करने से अल्लाह मिलता है, खुदा मिलता है। ये उनका अपना अटूट विश्वास था। तो रहीम अपने दोहों में प्रेम की भावना पर भी बल देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम सभी के साथ, मानव जाति के साथ, जीव जंतु के साथ, पशु पक्षी के साथ, पशु पक्षियों के साथ हम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि और प्रेम का जो धागा होता है वो बहुत ही नरम होता है, उसको सावधानी के साथ रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत खींचो झटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ फट जाए। ये कहते हैं कि रहीम प्रेम का जो धागा है बहुत ही सुकोमल होता है, उसको हम बहुत ही डेलिकेसी से उसको संभालना चाहिए, प्रेम को देख समझ कर संभालना चाहिए। किसी कारणवश अगर वो प्रेम किसी से टूट जाता है तो बाद में वो किसी वजह से वो जुड़ भी जाता है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है, लेकिन उसमें दरार ज़रूर आती है। तो अतः जहाँ तक हो सके हम अपने सहकर्मियों के साथ, हम स्वजाति के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रेम की पराकाष्ठा को इन्होंने प्रस्तुत दोहे में दिखाया है। और रहीम का जो बुरा समय आया था तब उन्होंने स्वयं उन्होंने अपने इस अपने और एक दोहे में अपने बुरे समय को यूँ कहा, ए रहीम दर दर फिरही मांगी मधुकरी खाही, ए रहीम दर दर फिरही मांगी मधु करी खाही, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाही। इस तरह महान कवि रहीम का जीवन का अंत, जीवन के आखिरी समय बहुत ही दीनता में, बहुत ही दुख में बीता। इनके प्रमुख रचनाओं में रहीम सत्सई आती है, रहीम की दोहावली आती है, नगर शोभा आती है, बरवई नायिका भेद आती है, मदनाष्टक आती है, श्रृंगार सोरठ आती है, आदि इनके प्रमुख उल्लेखनीय रचना हैं। और इन सभी रचनाओं में इन्होंने उनकी जो कीर्ति का मात्र जो है वो रहीम सस्सई है। रहीम सस्सई के दोहे में नीति आती है, वो नीति के अनुसार ही उनके सभी दोहे हम प्रत्येक मनुष्य को अपने मार्गदर्शन करते हैं, को उसको जीवन का निर्वहन करने का करने की एक दिशा देते हैं। लेकिन विज्ञान में क्या होता है, हमें क्या होता है, फार्मूले मिलते हैं, लेकिन विज्ञान के ज्ञान मिलता है, लेकिन साहित्यकार जो होता है एक जीवन का नवनिर्माण करता है, जीवन को ढंगने जीवन को जीने की सलाह देता है, किस प्रकार हमें अच्छे जीवन, अच्छा हमें प्रशस्त मार्ग पर चलने पर वो बल देता है। किस तरह महान साहित्यकार रहीम का जो निधन है सन 1926 में होता है, और इस तरह एक हिंदी के महान दानी कवि के जीवन का अंत होता है। अब हम रहीम के जो दोहे जो पाठ्यक्रम में हमको दिए गए हैं उन दोहों पर हम प्रकाश डालेंगे, हम उन दोहों को एक के बाद एक देखेंगे। तो पहला दोहा है, रहीमन तब तक ठहरिए, रहीमन तब तक ठहरिए, मान मान सम्मान, मान मान सम्मान, घटत मान देखिए जब ही, घटत मान देखिए जब ही, तुरंत ही करिए प्रयाण, तुरंत ही करिए प्रयाण। या इस यहाँ पर
रहीम कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में उन्होंने गौरव की बात कही है, है ना, यहाँ पर इज्जत की बात कही है। वो कहते हैं कि मनुष्य को गौरव से, मनुष्य को इज्जत से कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसे संदर्भ में हिंदी के दूसरे कवि भी हैं जो आधुनिक कवि है, रामधारी सिंहकर दिनकर ने भी कहा है कि मनुष्य की जब गौरव की बात आती है तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने अपने एक काव्य परशुराम की परीक्षा में उन्होंने कहा था कि छोड़ो मत अपनी आन, चाहे शीश कट जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज एक बार कंठ धरता है, मरना ही है तो मरने से क्यों डरो रे। मतलब हम अपने आन को, अपने मान को कभी भी नहीं घटाना चाहिए और कभी भी हम पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे और दूसरे तो भक्तिकाल के दूसरे मूर्धन्य कवि और तुलसीदास ने भी एक बार कहा था कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ ना जाइए कंचन बरसे में। तुम्हारे आने से कोई आदमी खुश नहीं हो रहा है तो वैसे स्थान पर आप कदापि ना जाइए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन सही, जाने की तो बात दूर बल्कि वहाँ पर आंख भी उठाकर मत देखिए, वहाँ पर नैनन नहीं सने नहीं सदें, तुलसी तहाँ ना जाइए। तुलसी कहते हैं कि उस स्थान पर मत जाइए, माने के माना के सोने की बारिश क्यों ना हो। इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने वही रहीम भिंड ने भी यहाँ पर मान की गौरव की बात बताई है, रहीमन तब तक ठहरिए मान मान सम्मान। रहीम कहते हैं कि आप उस स्थान पर जब तक रुकिए तब तक आपकी आपका गौरव है, आपको सम्मानित किया जाता है, तब तक उस स्थान पर ठहरिए। घटत मान देखिए जभी, जैसा देखते हैं आपके गौरव में कमी होती है, आपके गौरव में आपके मान सम्मान में कमी होती, तुरंत ही करिए पयान, फौरन उस स्थान से उस जगह से आप चले जाइए, वहाँ पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः प्रस्तुत दोहे में उन्होंने गौरव की बात कही है, मान की बात कही है, सम्मान की बात कही है। इस तरह यह दोहा समाप्त होता है। व्याख्यान में अंतराल के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब रहीम का दूसरा जो दोहा है, हम उस दोहे को पढ़ेंगे। वो दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून, मोती मानुस चून। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम पानी के महत्व को दिखलाते हैं। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ होते हैं, एक पानी जो जल है जिसे हम पीते हैं, दूसरा जो पानी है जो है, है ना, जो चुने जो चमक में काम आता है, और तीसरा जो पानी है जो मोती का पानी है। इस तरह पानी के यहाँ पर तीन अर्थ आते हैं, क्योंकि पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। कि एक बार यहाँ हमारे संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री भारत का बजट पेश करते हुए पानी के महत्व को बतलाते हुए यशवंत सिन्हा ने
रहीम के दोहे को संसद में पेश किया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चुन। रहीम कहते हैं कि पानी को रखिए, बिना पानी के सब चीज़ बेकार हो जाती है, सुन यानि शून्य ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी पानी का होना ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन से भी पानी अगर चला जाता है, किसी कारणवश डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही जीवन का अंत भी हो सकता है। तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है, और बिना पानी के हर चीज़ बेकार हो जाती है। मोती अगर यदि पानी में नहीं है तो वो मोती में प्रकाश नहीं आता, और उसी तरह पानी एक गौरव है, पानी गौरव का प्रतीक है। इंसान में अगर गौरव चला गया तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कोई व्यक्ति निर्लज हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसके आँख का पानी मर गया। तो पानी यहाँ पर एक गौरव का प्रतीक है, यहाँ पर पानी। और जिस तरह चून यानी चुनना, यानी चुनने में जिसको हम चूना जो होता है उसमें जब तक पानी नहीं मिला तो उसमें चमक नहीं आती। अब जैसा कि चूने को हम केमिस्ट्री में उसे कैल्शियम कहते हैं, चूने को कैल्शियम कहते हैं, तो चूने का होना मनुष्य के लिए ज़रूरी है। जब कैल्शियम जो है, कैल्शियम जब पानी से मिल जाता है, कैल्शियम प्लस H2O पानी का सिंबल होता है, H2O जो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जब चूने में जब मिल जाता है तो उसमें चमक आ जाती है। तो अतः रहीम कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में पानी का होना, मान का होना, मर्यादा का होना, गौरव का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके जीवन में चमक आती है। पानी का बहुत ही बड़ा महत्व प्रस्तुत दोहे में रहीम दर्शाते हैं, दिखलाते हैं। और इसके बाद हम रहीम के और एक दोहे को पढ़ते हैं जो ये इस प्रकार है। रहीमन विपदा ही भली, रहीमन विपदा ही भली, जो थोड़े दिन होए, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय, जानी परत सब कोय। यहाँ पर विपदा का अर्थ होता है विपत्ति, मुसीबत। भली की का मतलब भला है, कोई यहाँ पर विपत्ति को कभी भला कहते हैं, अच्छा कहते हैं। वो जो थोड़े दिन के लिए हो, हित का अर्थ होता है भलाई, हित का अर्थ होता है भलाई, भलाई। अनहित बुराई, जगत संसार, जगत संसार, जानी यानी जान पड़ता है, सबको है, सबको। अर्थात इस दोहे में रहीम ये कहते हैं कि वो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में मुसीबत आए, विपत्ति आए, जो सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े दिन के लिए है। इसलिए थोड़े दिन के लिए चाहते हैं, उन्हें पता चले कि कौन अपना है, कौन पराया है, हित अहित, उनकी भलाई चाहने वाला कौन है, उनकी बुराई चाहने वाला कौन है, या जगत में इस संसार में जान पड़ता है। अतः ऊपर वाले से विपत्ति चाहते हैं ताकि उन्हें पता चले कि कौन अपना है,
कौन पराया है, वरना सभी अपना दिखाई देते हैं। किसी ने अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब भी है कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, जो मुसीबत के समय जो काम आता है वही सच्चा मित्र है। जो सच्चा दोस्त होता है, जो मुसीबत में भी साथ देता है और खुशी में भी साथ देता है। जो सच्चा दोस्त नहीं होता है, जो खुशी के समय तो रहता है लेकिन मुसीबत में भाग जाता है, तो वह अपने मित्रों को पहचानने के लिए ऊपर वाले से ये विनती करते हैं कि मुझे दुख दे दीजिए, जो थोड़े दिन को हो, थोड़े दिन के लिए हो, उससे मुझे ये प्रतीत हो जाए कि मेरा कौन है, मुझे चाहने वाला कौन है, मुझसे प्रेम करने वाला कौन है इस संसार में, उसको पता चले उनसे उनकी बुराई करने वाला कौन है, वो उसका एहसास उन्हें हो जाए। इसीलिए उन्हें विपत्ति जो है ना, जो थोड़े दिन के लिए ऊपर वाले से मांग करते हैं। इस तरह यहाँ पर मित्र की सही पहचान के लिए प्रस्तुत दोहा में, प्रसिद्ध दोहे में रहीम ने अपने विचार को अच्छे ढंग से प्रकट किया है। इसीलिए विपत्ति को वो भली कहते हैं। इसके उपरांत हम और एक दोहा रहीम का पढ़ेंगे, जो बहुत ही बोधगम्य है। इसमें काफ़ी हमें सीख मिलती है। वो ये दोहा है, रहीमन कठिन चितानते, रहीमन कठिन चितानते, चिंता को चितचेत, चिता दहित निर्जीव को, चिंता जीव समेत। फिर दोबारा मैं इस दोहे को पढ़ रहा हूँ। रहीमन कठिन चिंताते, चिंता को चितचेत, चिता दहित निर्जीव को, चिंता जीव समेत। यहाँ पर कठिन का अर्थ होता है मुश्किल, चिंता यानि सोच विचार फिक्र, निर्जीव यानि जिसमें जीवन नहीं होता उसे निर्जीव कहते हैं, उसे मृतक को भी मृतक, जीव यानी जिसमें जान होती है। यानी प्रसिद्ध दोहे में रहीम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में चिंता जो है बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिंता जो है इंसान के लिए बहुत बुरी होती है। क्यों के रहीम कहते हैं कि चिंता जो है मनुष्य को जीते जी जला देती है। चिंता क्या करती है कि मनुष्य के जीवन का ह्रास, मनुष्य जीवन का पतन जीते जी करती है। चिंता चिता जो है मनुष्य मरने के बाद उसको चिता जलाती है, लेकिन जो चिंता है मनुष्य को जीते जी जलाती है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि जहाँ तक हो सके हमें चिंता को दूर करना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें खुश रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें आनंद और प्रफुल्लित होना चाहिए। ऐसे संदर्भ में कबीरदास जी ने भी ये चिंता के संदर्भ में उन्होंने अपनी विचारधारा रखी थी। रहीम ने कबीरदास जी ने कहा था कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से घटियो लक्ष्मी, कहे गए दास कबीर। चिंता करने से आपकी चतुराई भी घट जाती है और दुख करने से आपका शरीर का पतन हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर रहीम ने भी कहते हैं जहाँ तक हो सके हम चिंता को दूर करना चाहिए। किसी भी स्थिति में चिंता करने से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, मनुष्य को चिंता कम करना चाहिए, प्रयास ज़्यादा करना चाहिए, तभी उसके जीवन में सफलता आती है। जहाँ तक जब जो चिंता आती है
तो जीवन का सुख और चैन समाप्त होता है। मनुष्य के जीवन में अगर चिंता अगर ज़्यादा सताती है तो इंसान अनकुंठा का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अंततः वो आत्महत्या करने पर भी वो प्रवृत्त होता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि चिंता को जहाँ तक हो सके दूर करे, क्योंकि चिंता जीते जी जला देती है, जबकि चिता जो है मरणोपरांत जलाती है। तो ये भाव प्रसुद्ध देह में रहीम कहते हैं। और आगे का और एक दोहा देकर दोहा पढ़कर हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जो रहीम का जो स्वभाव है वो उसके अनुसार ही ये दोहा हमें दिखाई देता है, जो इस प्रकार है। धनी रहीम जल पंख को, लघु जी पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाय। इसमें कटिब शब्दों का अर्थ देखते हैं। धनी का अर्थ होता है धन्य, सफल। जल यानि पानी, पंख यानि कीचड़ से भरा हुआ पानी, पंख। लघु यानि छोटा, जी यानि जीव, पियत पीता है, अघाय संतृप्त हो जाता है, उदधि यानि समुद्र, समंदर, बड़ाई बड़ा है, जगत यानि संसार, प्यासो प्यासा, रह जाता है। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि वही व्यक्ति का जीवन धन्य होता है जो किसी के काम आता है। यहाँ पर समुद्र की तुलना एक धनवान से करते हैं और कीचड़ से भरा हुआ पानी की तुलना एक गरीब से करते हैं। तो रहीम कहते हैं धनी रहीम जलपंख को, धन्य है, सफल है कीचड़ से भरा हुआ पानी, धन्य है कीचड़ से भरा हुआ पानी, क्यों कि उसमें छोटे छोटे कीटाणु जो है वो कीचड़ से भरे पानी में रहकर अब उस पानी को पीकर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं। इसीलिए कीचड़ से भरा हुआ पानी है तब भी उसका जीवन धन्य है। किसकी तुलना में? समुद्र की तुलना में। समुद्र का पानी देखने के लिए बहुत विशाल है, देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन संसार का आदमी, संसार का व्यक्ति उस वहाँ पर जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है, वो प्यासा रह जाता है। इसी तरह कहने के लिए हम बहुत ही धनवान हैं, कहने के लिए हम बहुत ही धन कुबेर हैं, लेकिन हम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो वो पैसा किस काम का जो किसी के काम ना आए। तो वही मनुष्य का जीवन धन्य है जो किसी को काम आता है। माना कि वह गरीब है, उसकी गरीबी में से भी वो कुछ ना कुछ यदि वह किसी की सहायता करता है, उस व्यक्ति का जीवन उस धनवान के परिप्रेक्ष्य में धन्य हो जाता है। इसी तरह उन्होंने कहते हैं कि जो व्यक्ति जो दानी होता है, हालांकि कितना भी धन उसके पास क्यों ना हो, हाँ वो अगरचे कि वो दान करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके परिप्रेक्ष्य में कहने के लिए करोड़पति है, लेकिन वो अगर वह किसी की सहायता नहीं आता तो उसका जीवन बेकार है, निरर्थक है। तो प्रसुद्ध दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी धन्य होता है, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की वो मदद करता है। इस तरह रहीम ये कहते हैं कि आपने जीवन को सफल बनाना है तो दान का जो गुण है उसको आप आगे बढ़ाते रहिए,
जीवन में दान करते रहिए, देखिए कि आपके जीवन में उज्ज्वलता, आपके जीवन में प्रकाश, आपके जीवन में परिपक्वता आती है, अंततः आपका जीवन सफल होता है। इस प्रकार रहीम के दोहे लगभग समाप्त होते हैं। आज की वीडियो कक्षा मैं इसी से मैं समाप्त करता हूं। मैं विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि जहां तक हो सके हम भी रहीम के जैसा स्वभाव अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, जहां तक हो सके हम दान करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। धन्यवाद। वजाहत।